बिहार के तेजतर्रार आईपीएस अधिकारियों में से एक विकास वैभव के दो ट्वीट से बिहार के प्रशासनिक से लेकर राजनीतिक गलियारों में खलबली है। हालांकि विकास वैभव ने इनमें से एक ट्वीट को डिलीट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आईजी विकास वैभव द्वारा अपनी डीजी शोभा अहोतकर के खिलाफ ट्वीट पर नाराजगी जाहिर की है। नीतीश कुमार ने कहा कि कोई भी अधिकारी हो, उसका काम ट्वीट करना नहीं है, ये सब गंदी चीजें हैं। अगर कोई समस्या है तो अपने डिपार्टमेंट या सीनियर लोगों से अपनी समस्या बतानी चाहिए। दरअसल सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार को समाधान यात्रा के क्रम में पूर्णिया में पहुंचे थे। वहां मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अभी मेरे लिए कुछ बोलना उचित नहीं है, अगर कोई कुछ बोलता है तो उसकी पूरी जांच करा लें, देख लें कि क्या मामला है। कोई भी व्यक्ति जो नौकरी करता है, अधिकारी है, तो उसका काम ट्वीट करना नहीं है, यह सब से गंदी चीज है। उसको और कोई समस्या है तो अपने विभाग या सीनियर अधिकारी को आकर कहना चाहिए, निजी तौर पर बताना चाहिए, न कि इस तरह किसी भी चीज को सार्वजनिक रूप से करना चाहिए। यह कानून है कि आपको कोई समस्या है तो सही जगह पर जाकर अपनी समस्या बताएं, तुरंत उसे देखा जाता है। लेकिन आप ट्वीट कर रहे हैं, कोई कुछ लिख रहा है, इससे बेवजह की चर्चा होती है जो बिल्कुल गलत है। और अब ये लोग करेगा, अभी हम नहीं कुछ बोलना हमारे लिए उचित है। हम सबको कह देते हैं कोई कुछ बोलता है तो पूरी जांच करा लीजिए, देख लीजिए क्या मामला है। लेकिन आप जानते हैं एक बात, आप अच्छी तरह जान लीजिए, कोई भी नौकरी करता है, ऑफिसर है, ये उसका काम ट्वीट करना नहीं है, ये सबसे गंदी चीज है। उसको अगर कोई समस्या है तो अपने डिपार्टमेंट को या सीनियर जगहों पर आकर के अपनी समस्या बतानी चाहिए, यही ना है, निजी तौर पर बतानी चाहिए, उसको किसी भी चीज को सार्वजनिक रूप से नहीं घोषित करना चाहिए, ये है कानून। आप जरा अच्छी तरह जान लीजिए, आपके ऊपर कोई समस्या है तो सही जगह पर जा करके अपना प्रॉब्लम बता दीजिए, तुरंत उस पर देखा जाता है। लेकिन अभी तो विचित्र बात है, कोई ट्वीट कर देगा, कोई कुछ लिख देगा, कुछ कर देगा, तो ये सब ना ज्यादा चर्चा होती है, कोई मतलब है? तो खैर, इसके बावजूद हमने कहा है कि कोई भी बात है, हमने कह दिया अधिकारियों को कि सब चीज को देख लीजिए और देखने के बाद क्या है तब हमको बताइएगा। आपको बता दें कि विकास वैभव ने कल दो ट्वीट किए थे। एक ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया था, इसमें उन्होंने अपनी डीजी शोभा अहोतकर के खिलाफ लिखा था। दूसरे ट्वीट में विकास वैभव ने लिखा था कि यात्री मन व्याकुल है, बंधनों से मुक्त होना चाहता है, परिस्थितियां अवरोध है उत्पन्न करती प्रतीत भले हो रही हो, परंतु यात्री मन यह भी जानता है कि यात्री मन को कोई बांध नहीं सकता, जो निर्धारित है वह स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त करेगा, शेष सब माया ही है, परंतु कर्म महत्वपूर्ण है। इस ट्वीट से समझा जा सकता है कि विकास वैभव के मन में बहुत कुछ चल रहा है। मैं ना कभी भीड़ के साथ नहीं चल पाया, क्योंकि मुझे मालूम था कि उस भीड़ में मैं कभी जीत ही नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैंने अपना अलग रास्ता चुना। इस रास्ते में मुश्किलें बहुत आई, लेकिन मैं हर रोज इनसे लड़ता रहा और अब भी लड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये रास्ता मैंने खुद चुना है और इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, इसलिए मुझे मजा आता है इस रास्ते की परेशानियों में। आप अपनी जिंदगी में भीड़ को चुनते हैं या अलग रास्ता, या आप पर तय करता है।